Ooh. 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 मुझे गुरु कहते हैं। सॉरी सर। कैप्शन पिताश्री देंगे? वही लिख देता हूँ जो आप है। राइट में देखिए ना सर। ईगो का बाप। ये टाइटल अच्छा है। आई लाइक यू। आ रही हूँ। ओह आप हैं, जल्दी आ गए, आइए। घूर क्यों रहे हैं? किसी पड़ोसन के घर में नहीं घुस आए हैं आप, अपने ही घर में हैं। आंखें मत फाड़िए, आइए। बाप रे, लगता है ईगो हर्ट हो गया। वाह क्या जबरदस्त दिख रहे हैं आप। होली का दिन है, चेहरा साफ है, कुर्ता चकाचक, थोड़ा भी रंग नहीं लगा, किसी वॉशिंग पाउडर के मॉडल बन सकते हैं आप। क्या बात है, रंगों से बचे कैसे? हाओ कान खींच लूंगा तेरे। कलर हो या फिर कलेक्टर हो, मेरे ईगो के सामने सब बेड़म है। मैंने कहा तो था ना कि रंग का एक छींटा तक नहीं गिरने दूंगा। एक कतरा भी नहीं लगा। बच गए, रंग नीचे गिर गए, वरना क्या। उल्लू के दम, तेरी दम। अबे पिटते समय मम्मी मम्मी चलाते हैं, ये पापा पापा क्या लगा रखा है? कौन है बे तेरा बाप? अपने बाप का नाम बता। बुला बुला उसका, देखो बुला इधर। क्या है ये? अपना बंटी है। बंटी हो या घंटी हो, कौवे जैसी मुंह वाली, इसके माँ बाप कौन है ये पता करके ही रहूंगा। अबे बोल जल्दी, बोल। हम दोनों का ही बेटा है, चाहो तो नाम पढ़ लो। मेरे पापा भगवान और तेरा टैटू किधर है? मेरे पति परमेश्वर है। सॉरी डार्लिंग। ये बदबू कहाँ से आ रही है? सिद्धू भैया ने मेरे कपड़े में अंडा फोड़ दिया। हाँ तो जा जाके स्टोव पे बैठ जाना, आमलेट तो बन जाता कम से कम। इस सिद्धू ने मुझे पागल करके रख दिया है, छोड़ूंगा नहीं उसको, उसके तो सर पे अंडे फोड़ूंगा मैं, नहीं उसके अहंकार को तोड़ूंगा। आओ मेरे साथ। अरे क्यों नहीं आ रही है, तो तू चलना। सुनिए तो हाय। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे तेरे। क्या इस तरह से परवरिश की है आपने अपने बच्चे की? ए गुरु क्या बकवास कर रहा है, ये प्रोडक्ट तेरा है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है समझे। ये शरारती बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? अपने बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके सिद्धू की बात कर रहा हूँ। इसका मोटापा और उसकी शरारत बढ़ती ही जा रही है, बच्चे के कपड़ों पर अंडा फोड़ दिया। मेरे बेटे ने? ओ, कैसे समझाओ इन्हें, अंदर बाहर क्या क्या कांड नहीं करता है वो। बाहर लड़कियों के साथ चक्कर है, घर में हमको घन चक्कर बना के रख। खा लो बेटा। इसको देखो, सुबह से उठते ही यहाँ पर आकर धमक जाता है। इस बार सिद्धू ने अपनी हद पार कर दी तो मैं अपना टेम्पर खो दूंगा, देख लूंगा उसको। बाय आंटी, बाय बाय। ओहो लड़की उसी के कमरे से निकली है ना, ना ही शिष्टाचार है और ना ही संस्कार है। शिष्टाचार और संस्कार मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा संस्कारी और कौन होगा, समझाओ इसको। अरे गुरु व्हाट्स अप यार। बाप रे। बाय सिद्धू, बाय। बाय आंटी, बाय, सी यू, बाय। हाँ, सरकार ने अश्लील गंदी वेबसाइट बंद कर दी है तो घर में छिछोरी हरकतें कर लोगे। इन बेशर्मों को समझाने से कोई फायदा नहीं है, दोनों की शहनाई बजवा दीजिए। ग्रीन टी शर्ट ब्लैक पैंट, बुढ़ापे में ये अच्छा नहीं लगता, धोती कुर्ता पहनी है, चलो यहाँ से। ये ऐसे एडल्ट फिल्में देखने की तेरी उम्र नहीं है, चल। ये बुढ़े को रंगीन टी शर्ट चाहिए। दोबारा सामने आए तो मर्डर कर दूंगा मैं इसका। देखा इस नमूने को, खुद तो तमीज है नहीं, हमें संस्कार सिखाने चला है। अरे यार समस्या क्या है, लड़की से शादी क्यों नहीं करते? वो राजी है, उसका मिनिस्टर बाप राजी है, हम राजी हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? पापा वो मेरी बचपन की दोस्त है, उसके लिए मेरे मन में वैसी फीलिंग्स ही नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बस। अरे फिर से वही, कहते हैं कि दुनिया में बीवी सबसे अच्छी दोस्त होती है, कब समझेगा ये? ये हम दोनों की बात कब से सुनने लगा, ये वही करेगा जो इसका मन कहता है। शहर में कहीं भी छुप जाओ, दो दिन में ढूंढ निकालूंगा। ये जीजू यहाँ कैसे आ गए? आप यहाँ कैसे आए जीजू? कैसे से मतलब, कोई सलवार दुपट्टा हो तो दे दो मुझे, लड़की बनके फिर मिलने आता हूँ। अरे छीछे क्या, सच में वो कपड़े पहनूंगा क्या? चलो हटो। लेकिन जीजू, चुप करो। ये बताओ जब तुम यहाँ इस शहर में रहने आई हो तो मेरे घर में रहने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी बात नहीं है जीजू, ये घर बहुत सेफ है। अच्छा, ऐसा सुंदर थोबड़ा लेकर सी बीच पर मटकती फिरोगी तो यहाँ के लड़के तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? अरे 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 आराम से बेटा, लगता है कोई याद कर रहा है, लो पानी पी लो। जरूर वो बीच वाली ब्यूटी होगी। आई नो, सेल्फ रिस्पेक्ट। चलो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा किलोज में है तो मेरा ईगो क्विंटल्स में है, बैग पैक करो चलो। प्लीज जीजू, प्लीज जीजू। अच्छा ब्रदर,
मेरे जीजू भगवान है ऐसा एक टैटू बनाकर रेडी रखो। किसके लिए? और किसके लिए? तुम्हारे लिए। वो टैटू देकर छिछोरे भावरे दूर रहेंगे। टैटू हटो, रहने दीजिए, मैं आपके घर चलती हूं। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, ऑनर, उसका क्या? बैकपैक करो। दरवाजे की औकात देखो, हाथों से खोलूंगा पर पैर से बंद करूंगा। हट। छी, लड़की को ढूंढने निकला था, इस मनहूस की शक्ल देख ली, क्या करूं? अगर इसने देख लिया तो ना लड़की मिलेगी ना उसका एड्रेस। निकल जा बेटा। स्वाति, हाय दीदी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। हाय बंटी। मम्मी पापा कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम ऊपर जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। बंटी इधर आ। यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे जीजू का घर है। ओह, मेरी पड़ोसन बनने के लिए ये बहाना ढूंढा है? तुमने तो मुझे तुम्हें ढूंढने का मजा ही नहीं लेने दिया। शे, बुढ़ापे में क्या याद करूंगा? सिर्फ दो दिन रुक नहीं सकती थी? इतना प्यार है मुझसे? हेलो हेलो, तुम्हारी सोच की ट्रेन क्या सिर्फ एक ही पटरी पर चलती है? चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा, तुमने डोरे डाले या मैंने, एक ही बात है। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि तुम मेरी दीवानी हो। नॉटी। ऐसा था तो बीच पे ही बोल देती। वो क्या? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हो, ये राज ही रखूंगा। तुम्हारा वो जीजू ना ईगो का गुब्बारा है, अब मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। हम छुप छुप कर मिलेंगे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उसका अपना एक अलग ही मजा है। ओके बाय। अरे ये मनहूस भी आ गया। हाय। हाय गुरु। ऊपर से आ रहे हो क्या? एयरपोर्ट के पास रहने में यही दिक्कत है। पैराशूट से कूदा। ओ, गलत छत पर आकर गिरा। हाँ। पैराशूट जंपिंग यहाँ पर नहीं, ऊटी में करवाते हैं। ए, गुरु, 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 दिखते वो स्मार्ट है। ए, रुक रुक, मुझे खुश तो कर दिया पर लॉजिक कहाँ गया? ऊपर वाले कमरे में तू कैसे पहुँचा? क्या गुरु, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, ऊपर नीचे कहीं से भी आऊंगा। अब पड़ोसी है तो फिर मेन गेट से आना चाहिए था ना। बता 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 बताओ। मेरा कॉलर पकड़ लिया करो। यस, वो भी कसके। अब यही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तू भी ईगो रखने लग गया क्या? एए, ईगो रखना BMW कार जैसा होता है, खरीदना तो आसान है, मेंटेन करने में पुंगी टाइट हो जाती है। और तेरे ईगो का मेरे ईगो से क्या मुकाबला? चल भाग यहाँ से, मुझसे कंपटीशन करेगा है? हेलो, क्या हुआ? खाना नहीं खाया क्या? लगता है खाने में पूरी किताब खा जाओगी। बाप रे, मेरी जिंदगी की कहानी किताब में छप गई। बदतमीज पड़ोसियों से कैसे निपटा जाता है वही पढ़ रही हूँ। क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आँखों से। दूर से देखना मुश्किल है, मैं पास आ जाऊँ? हमेशा बकवास करते हो, और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं IAS ऑफिसर हूँ। IAS? हाँ पता है, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं नहीं, मतलब आई एंड स्वाति, मैं आ जाऊँ? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। सच में चिल्लाऊंगी हम? ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ, वरना चिल्लाओ ना। जीजू, मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ और यहाँ बेटा बंदरों की तरह छत्तों को लांग रहा है। लड़की देखी नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया? जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया तो तू उस पे लाइन मारने के लिए घर में घुस गया? तुम जैसे को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब, मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ए,
ये ठीक नहीं है, किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना, मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो, और अब पास आ गया हूँ तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू! स्वाति! ये क्या देख रहा हूँ मैं, भूखे भेड़ियों से बचा कर यहाँ पर ले आया तो यही गुल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था, कपड़े भी पूरे पहनती हो फिर भी उन कम कपड़ों वाली से दो कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियाँ मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो, कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूंगा और मेरे घर की इज्जत? छी छी, अबे कितनी देर सपना देखेगा, चल जा जा। मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ, अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहाँ पल्ले पड़ गया। कम ऑन, एक सिक्सर मार दे। हाथ लग गया। अरे छी, मैच के साथ 30,000 भी हार गया यार। क्या हुआ जी, फिर से सट्टा हार गए, फिर से नुकसान करवा दिया। हारने वाले घोड़े पर पैसा लगाया था मैंने, फिर भी जीत गया मैं। अरे वाह, तो इस बार नया आईफोन दिलवा दो। मैंने अपना वादा कब तोड़ा, ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। हाँ, खर्चे की बात से याद आया, बंटी की स्कूल फीस देनी है। बंटी किधर आया? पड़ोस के घर में गया है। ठीक है, पड़ोसी फीस भर देंगे। पड़ोसी बंटी की फीस क्यों भरने लगे? मेरा मतलब बेचारे पड़ोसी ही तो है, वो बंटी की फीस क्यों भरेंगे? हमारा बेटा है ना, इसी घर में पैदा हुआ लेकिन दिन भर पड़ोस में ही रहता है, तो वही फीस भरेंगे उसकी। एक तो मैच हार गया, ऊपर से फीस भरो। हर दम गुस्सा करेंगे तो बच्चा घर से बाहर ही तो रहेगा ना। तुम्हें पता है क्या, मैं बच्चे को लेके निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है क्या, पैदा करने में मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट कोई और लेके जाए, अब वही फीस भरेंगे। ये कैसा लॉजिक है? अरे ये लॉजिक नहीं, लॉ है। किराएदार 10 साल से ज्यादा अगर घर में रह ले तो वो घर उसका हो जाता है। कानून सिर्फ घर पर लागू नहीं होता, बच्चे पर भी लागू हो जाता है, ये भी पता नहीं है? फूटी किस्मत, फुकट का घमंड है। क्या हुआ दीदी, भागे फूटे हैं, इनके बेकार के घमंड ने जिंदगी नरक बना दी है। ए, कॉफी कहाँ है? हाँ ला रही हूँ। ये लो, ये कॉफी ले जाके उसके मुंह पर फेंकना। ओके। अरे सच में मत फेंक देना, रख देना। इतना समझती हूँ मैं। आलिया खटकिया लग रही है। जीजू कॉफी। उसे लाने को बोला था, तुम क्यों लाई? बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, अभी इलाज करता हूँ इसका। सारा जोश रसोई में दिखाते हो, बंद कमरे में कुछ नहीं होता। कॉफी लेके आओ। कब तक वहां पर बैठूंगा, तुम उधर खिसको ना। नजाकत। डार्लिंग कॉफी लेकर आओ। मैं ले आई तो क्या फर्क पड़ गया? तुम नहीं समझोगी, ईगो की बात है। कहां फंस गई? एक दिन ट्यूशन दूंगा इसको। ये क्या लिपस्टिक लगाया तुमने? लिपस्टिक बिल्कुल नहीं। मना किया था ना मेरे बर्थडे या एनिवर्सरी के अलावा नहीं लगाओगे? बाकी दिन क्यों नहीं? हेल्थ के लिए खराब होती है, अगर तुम्हारे होंठ फट गए तो किसको चुभेंगे? उतारो इसे गीले कपड़ों से। किस तो देती नहीं, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा, अब जाओ यहाँ से। ऐसे साफ कर रही है। जीजू एक जरूरी बात करनी है। जीजू भगवान है, टैटू बनवाना है? प्लीज जीजू मेरी बात तो सुनो। बोलो। उस दिन मुझे कोई बीच पर मिला था। तुमसे कहा था ना, काली कलूटी को भी नहीं छोड़ते यहाँ पर। अच्छा आगे क्या हुआ? उसने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ, उसने चैलेंज किया कि मेरे घर तक पहुँच जाएगा। डेफिनेटली चैलेंज हारेगा, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर आ जाए, इसलिए रूम से निकल के यहाँ लाया हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, वो रोज आ रहा है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस कॉलोनी में आने के लिए पहले आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, फिर फोन पर ओटीपी भी चाहिए। उसका तुमसे मिलना तो दूर, कॉलोनी में कदम भी नहीं रख पाएगा। अरे कॉलोनी नहीं, वो घर में आ गया है। कौन है वो? आपका पड़ोसी सिद्धू। वो चिरकुट सिद्धू, एक के साथ फ्लाइट में, दूसरी के साथ पैराशूट पे। इतना दिमाग है, मैं पहले ही समझ गया था। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें छेड़े इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। मेरा ईगो छेड़े तो उसकी खैर नहीं, सो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, ना वो ना ही कोई और, उसे मैं देख लूंगा। हर नत्थू खैरों को मैं याद दिलाता बैठूं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ सेम टू मी। इस बार हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे लिपस्टिक लगाने दो ना प्लीज। अरे बाहर इतना कीचड़ है, अपने होठों पर पोंछ दो, सुबह से एक भी कॉल नहीं आया, जाओ। मिस्ड कॉल का ही जवाब दे दो यार, कोई तो विश करो। बोलो। सॉरी भाई, आपका कॉल मिस कर दिया था। तू क्या मिस यूनिवर्स है जो मेरा कॉल मिस कर दिया तूने? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मुझे विश नहीं करोगे क्या? वेडिंग एनिवर्सरी है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाई। थैंक यू यार, याद रखने के लिए शुक्रिया। याद किसे था भाई, वो तो मिस कॉल देखा तो कॉल किया। अरे चुप कर, ये बोलना जरूरी था क्या? और भी कॉल्स आने वाले हैं, रख फोन। अरे बात तो सुन, कोई भी आ रहा फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है।
हाय। ये क्या आइटम सॉन्ग की तरह डांस कर रहा है? ऐसे झटके उसी में होते हैं। मैं थोड़ा सा हवा में उड़ रहा हूँ, सब अच्छा चल रहा है ना। बैठ जा, तेरे बाइक पे बैठी, दो बातें कर ली तो तेरे पे मर मिटी। या ऑलमोस्ट। ना ऐसा होगा ना मैं होने दूंगा। अरे लेकिन क्यों? मेरे ईगो ने बोला है मुझे। और इस ईगो को शांत कैसे करूं? मुझे इज्जत दे कर। कितनी इज्जत चाहिए? ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं। हाँ करना ऑर्डर, आधा किलो इज्जत और एक प्लेट पाव भाजी। कौन से होटल से? तेरे बाप के ढाबे पे। चुप। अरे इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, मेरा आदर करो यार। ओ ओके गुरुजी। 2G 3G लगाने से काम नहीं बनेगा। कुछ और भी लगाना हो तो बता दीजिए गुरुजी। मुझे खरीद सकते हो। मैं कह रहा था मुझे खरीद सकते हो, मेरे ईगो को नहीं। मेरे साइज की है ये। तो और क्या करूं गुरुजी? जनरली अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी में क्या करते हो? पार्टी करते हैं और क्या। अगर तुम्हारी हो तो? और भी बड़ी पार्टी। और अगर मेरी हो तो? मतलब आपकी आपकी एनिवर्सरी है गुरुजी, शाम को धमाल पार्टी करेंगे। मैं पार्टी नहीं करता, अकेलापन पसंद है मुझे। प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज पार्टी कीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, शानदार होनी चाहिए, नहीं तो ये रिंग लौटा दूंगा। समझ गया, जाओ। आओ श्री कन्या। कुछ तो गलत बोलती है सुकन्या। बोलिए। लिपस्टिक है या खत्म हो गई? बिना लगाए खत्म भी कैसे होगी? है, आज लगा लो। थैंक यू डार्लिंग। बैठ क्यों गई, खड़ी हो, घूम जाओ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाय आंटी। अरे वाह, ये लड़की तो लक्ष्मी का अवतार है। हाँ मॉम, हाँ? बहुत सुंदर लगती है। लगता है आपको पसंद है, आप इसे अपनी बहू बनाना चाहती है। हाँ? तो टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना। मैं इससे बात करूंगा। तुम अपना अंगूठा क्यों चूस रहे हो? सब कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ, ओ, मत कहो। तुमने कहा था एनिवर्सरी होगी, लेकिन तुमने मेरे फिर से शादी करवा दी। बहुत शर्म आ रही है मुझे। So cute, गुरुजी। इसमें क्यूट जैसा कुछ नहीं है। लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें? आपका लेवल ही अलग है गुरुजी। आप तो बिल्कुल रॉक स्टार लग रहे हैं। क्या बात है गुरुजी? मेरे सामने किसी और आदमी की तारीफ कैसे कर सकते हो? वाओ, आप आईने में अपनी झलक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सचमुच ईगो का बाप है गुरुजी। कलेजे को ठंडक पड़ गई अभी। लेकिन मेरा मन उदास हो गया। पर मैं तो खुश हूँ ना। पर मेरी ख्वाहिश अधूरी है ना। अच्छा ठीक है, बताओ ऐसा क्या करूँ जो तुम्हारा दिल खुश हो जाए? हाँ, बेड कितना सजाया है अच्छे से, मेरा दिल तो इससे भी बड़ा है। मुझे गुजरा जमाना याद आ गया। इतने सालों के बाद? हाँ। बाप रे बाप गुरुजी। क्या इतने साल? क्या मतलब है? मतलब बच्चा होने के बाद उसे पालने में पूरा टाइम निकल जाता है गुरुजी। ओ ऐसा क्या? चे, चे। हाँ ये बात तो है। सालों की दूरी मिटाने के लिए, पुराने दिन लौटाने के लिए मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है गुरुजी। रेड बुल जैसा कुछ? अरे नहीं, बेड बुल। सच बताओ खोई हुई जवानी फिर से लौट आएगी? अरे खोई हुई क्या, ब्रांड न्यू जवानी आएगी। हर बॉल पे सिक्सर लगाओगे। सिक्सर ना लगे चलेगा, लेकिन धोनी की तरह लास्ट ओवर तक खेलता रहूं। बस मैं स्टाइल से खेलना चाहता हूं। ओ या वाओ। इसे खाओ, सब भूल जाओ गुरुजी। लेकिन बंडी का क्या? अरे उसे मैं देख लूंगा, आप ये खाओ ना, निकल जाओ। उसमें गुलकंद भी है। आपको गुल जो खिलाने हैं, एंजॉय। अरे जाओ 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 ना यहाँ से। स्वाति, आज मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? पीछा करना, फ्लर्टिंग करना, किसी को डेट पर ले जाना, ये सब वक्त की बर्बादी है। अगर किसी इंसान का कैरेक्टर जानना हो तो पहले फोन में उसकी प्लेलिस्ट देख लो। मेरा असली कैरेक्टर क्या है ये मेरे प्लेलिस्ट के 3 गानों से पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट जानना इतना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है, तुम खुद सुनो सुनो। अरे पकड़ो ना, सुनो।
भैया बोल। पापा की पार्टी इन्हें पटाने के लिए रखी थी ना। हाँ यार, पान के नाम पे उसे चूना लगा है। एक्चुअली इसे प्लेलिस्ट सुना के फ्लैट करना था। पहला गाना है फ्रॉम आर्या, फील माय लव। तुम ऐसे गाने सुनते हो? नेचर से प्यार है ना, आज तक किसी को बताया नहीं, पर वही मेरा इंस्पिरेशन है। ये गाना सुनकर मैं नेचर के करीब जाता हूँ। अब तुम अगला गाना सुनो प्लीज। अगला गाना और भी जबरदस्त है। ये मेरा जहां मेरा घर मेरा आशियां, मेरा जहां मेरा घर मेरा आशियां, चंद हंसने का देखे जलवा, चांदी से रूप का ये जलवा, रोमांटिक दिल का ये जलवा, चलती जवानी का जलवा, लव का ये जलवा, नशीले। ये है तुम्हारी चॉइस? बिल्कुल, मेरा फेवरेट है, रोज सुनता हूँ इसे। वो क्या है, ऐसा संगीत सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन साफ हो जाता है। अब तुम तीसरा गाना सुनो, तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा। मेरी खातिर प्लीज आखिरी गाना सुनो। तीसरा गाना माइंड ब्लोइंग है, बुट्टू बोमा। नशा 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 चढ़ा प्यार का नशा। अरे एक मिनट, ये गाना क्यों बज रहा है? ये मेरा फोन नहीं है, तुम्हारे जीजू का फोन है। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन, ये देखो मेरा फोन। मेरी प्लेलिस्ट सुनो ना प्लीज। आज के लिए इतना ही काफी था, प्लीज। स्वाति, स्वाति अब गाने तो फेल हो गए और दिल की बात कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी आंखें तुमसे कुछ कह रही हैं। इन्हें पढ़ लो, जो कुछ कहना चाहता खुद समझ लो। अपनी जुबान से ये बात फिर किसी दिन बताऊंगा, चलता हूं। गुरुजी, अंदर आ जाऊं? आ जा बेटा। भाभी ठीक तो है ना? भाभी भी तुम्हें याद कर रही है। गुरुजी, गुरुजी, आना। क्या बात है गुरुजी, थके हुए लगते हो, लगता रात भर सोए नहीं। रात में शेर शिकार पे निकला था। मैं शेर हूँ? अपनी भाभी से पूछ ले। भाभी, भाभी, वेयर इज भाभी? इन द लॉबी यार। वहाँ क्या कर रही है? अबे मेरी सारी रात तूने जानूम बना दी, मुझे रूम में लॉक करके चला गया तू यार। तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसके गुंजाइश भी कहाँ छोड़ी। अरे मैं देख लूंगा, आप खाइए ना, निकल जाइए। पर आपको इतने खरोच कैसे आ गई? अरे कमाल है। सुकन्या, सुकन्या, अरे रूम लॉक हो गया, अब क्या करूं? इसका मतलब उस पान में कुछ ज्यादा ही दम था। बहुत ज्यादा। ऊपर से उपवास करवा के मुझे नींबू पानी पिलाया, पेट की वाट लगी पड़ी है, बस जुलाब की गोली देने की कमी थी। सॉरी गुरुजी, ऐसा होगा सोचा नहीं था। अरे मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना जो मेरी ये दुर्गति की? क्या कह रहे हैं गुरुजी, आपसे दुश्मनी क्यों होगी? वो पान था, क्यों आइटम बम था। आज रात फिर से पान लेके आओ। अरे बाप रे, आज के बाद नाम भी मत लेना उसका। अरे गुरुजी, अरे एक बैट बॉल तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, दो दिन तक दूर रहना।